एक बार, दो बार, रोज रोज कुछ ना कुछ होता था। मंगल कितनी गवार है तू, अकल की अंधी है तू। इतने दिनों से सब कुछ तेरी आंखों के सामने हो रहा था, तू क्या कर रही थी? हम बड्डी बांध कर बैठी थी, देखकर भी नहीं देखा, सुनकर भी नहीं सुना। सच में एक नंबर की पागल है तू, एक नंबर की पागल। गवारी गवारी रे। मंगल को ना, मंगल में तो अकल ही नहीं है, उसे तो कुछ भी नहीं आता, ये कुछ समझ नहीं सकते। हाँ मंगल, हाँ 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 मंगल, हाँ एक नंबर की बेवकूफी है तू, मजाक बन गई, मजाक बन गई। मंगल, मंगल क्या हुआ है? हाँ बेटा, और तुम ऐसे हालत में क्यों आई हो घर में? बोलो मंगल, मंगल क्या बात है, क्या हुआ है मंगल, तुम्हें कुछ तो बोलो। कुसुम क्या हुआ है? देखिए ना, पता नहीं मंगल को क्या हो गया है, ऐसी हालत में घर आई है पर कुछ बोल भी नहीं रही है। मंगल बेटा हुआ क्या है, बेटा कुछ तो बोलो। मंगल होश में आओ, क्या हो गया है तुम्हें मंगल, ऐसा क्यों कर रही हो मंगल, होश में आओ। कुछ तो बताओ, तुम्हारी अम्मा तुमसे पूछ रही है बेटा। मंगल, मंगल कुछ तो बोलो। देखो मंगल, हमारा दिल बैठा जा रहा है, अगर तुम और चुप रही ना तो हमें कुछ हो जाएगा, कुछ बोलो मंगल, क्या हुआ है? अम्मा, वो अदिति, अम्मा अदिति ने ऐसा क्यों, अम्मा क्यों? मंगल, इसका मतलब मंगल ने तलाक के कागजात देख लिए हैं। अदित ने क्या किया बेटा? बेटा शांत हो जाओ और सब कुछ ठीक तरह से बताओ। मंगल, आज तुमने वो तलाक के कागजात देख लिए? मंगल बेटा, वो फर्जी है, अदित ऐसा नहीं कर सकता, वो दस्तखत नकली है किसी ने बेटा, वो बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारी बात का भरोसा रखो, कोई तलाक नहीं होगा। कुसुम ये तुम क्या कह रही हो, किसका तलाक, कौन से कागजात? आज हमें घर में से तलाक के कागजात मिले, हमने देखा अदित के दस्तखत है उसके ऊपर। पर मंगल, वो दस्तखत किसी ने धोखे से करवाए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा आदित कभी ऐसा नहीं कर सकता। उसने हमें वादा किया था कि वो तुम्हारे साथ अपना रिश्ता निभाएगा, हंसी खुशी निभाएगा। मंगल देखा ना तुमने, आदित कितना बदल गया है बेटा, इन कागजातों का कोई मतलब नहीं है। क्यों रो रो के हलकान हो रही हो बेटा, हमारी बात का यकीन करो, आदित ऐसा कुछ नहीं करेगा। अम्मा, उन्होंने शादी की मेरे लिए,
हाँ मंगल, आदित्य ने तुमसे दोबारा शादी की, सात वचन लिए, फेरे लिए, सात वचन दोहराए बेटा। कुसुम, तुमने मुझसे पहले ये क्यों नहीं बताया, और तुमने ये क्यों नहीं बताया कि आदित्य मंगल से तलाक लेने वाला है और तुम्हें कोई कागजात मिले हैं? कहा ना आपसे, हमने आज देखे तलाक के कागजात, पर आदित्य ऐसा कुछ नहीं करेगा, और वो दस्तखत भी नकली है। किसी ने छल किया है, वो कागजात झूठे हैं। तुम अपनी ममता में आदित्य की हरकतों को अनदेखा कर रही हो, पर मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। दिमाग खराब हो गया है उसका, कहां है वो? आदित्य, आपके वर तो चले गए, अब विवाह तो नहीं होगा ना बेटा? कैसे होगा विवाह पंडित जी? अकेले करूंगी क्या मैं शादी? और आप बहुत सारे उपाय दे रहे थे ना, आप कभी धागा, कभी सिंगोड़ा, कभी बरगद का पेड़, क्या हुआ? बाधाएं हटने वाली थी ना, फिर क्या हुआ? आदित्य मुझे यहाँ शादी के मंडप में छोड़ के चला गया है, और मैं दुल्हन बने यहाँ खड़ी हूँ, बेवकूफों की तरह दिख रहा है ना आपको? तुम्हें क्या लगा आदित्य, तुम मुझसे इस तरह शादी का वादा करोगे, मंडप तक ले आओगे, और फिर बीच रास्ते में छोड़कर वापस अपने फैमिली के पास चले जाओगे, और मैं तुम्हें जाने दूंगी? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी आदित्य, तुम मेरे हो। आदित्य, तुम तो हॉस्पिटल गए थे ना, तुम्हारे बॉस का एक्सीडेंट हुआ था ना आदित्य? बोलो आदित्य, कहाँ गए थे तुम? मंगल ने किसी को कुछ नहीं बताया अभी तक। आदित्य चुप क्यों हो, जवाब दो, कहाँ गए थे तुम? माँ, वो मैं मंदिर गया था। मंदिर क्यों गए थे? तुमने मंगल से तो कुछ और कहा था ना? बोलो आदित्य, बोलते क्यों नहीं? अम्मा, वो मैं क्या लगा रखा है तुमने? पहले तो तुम मंगल से ये बताओ कि तलाक के कागजात तुमने नहीं बनवाए, किसी ने धोखे से उस पर तुम्हारे दस्तखत ले लिए हैं। उस तलाक के कागजात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुम मंगल को तलाक नहीं देना चाहते, तुम्हारा कोई इरादा नहीं है ना मंगल को तलाक देने का, है ना आदित्य? यही सच है ना? अम्मा, वो एक्चुअली अम्मा, मेरी तरह आप भी अपनी आंखों की पट्टी खोल दीजिए, आज भी सच नहीं देख पाएंगी आप। तलाक के कागज जिसने भी बनवाए हो, लेकिन उस पर साइन तो आपने ही की है ना दीदी? नहीं मंगल, हमने बताया ना, ये साइन धोखे से लिया गया है, है ना आदित्य? आदित्य, तुम मंगल को सच क्यों नहीं बता रहे हो? बता दो मंगल को कि ये तलाक के कागजात फर्जी है, तुमने कोई साइन नहीं किया। अम्मा, बस कीजिए अम्मा, बस। इनका जवाब ना आपका दिल तोड़ कर रख देगा। मंगल, अम्मा, आज कोई नहीं बोलेगा, आज मैं पूछूंगी आदित्य जी से, आज मेरे सवालों के जवाब दीजिए आदित्य जी।